नमस्कार दोस्तों, रहस्यमय दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मरते वक्त रावण ने लक्ष्मण को तीन बातें बताई थी, तो आइए जानते हैं वो तीन बातें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही उस घंटी बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिस समय रावण मरणासन अवस्था में था, उस समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार से नीति राजनीति शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है, तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की ऐसी शिक्षा ले लो जो और कोई नहीं दे सकता। भगवान श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण मरणासन अवस्था में पड़े रावण के सिर के नजदीक जाकर खड़े हो गए। रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण वापस लौटकर भगवान श्री राम के पास आए। तब भगवान श्री राम ने कहा कि यदि किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास खड़े होना चाहिए, ना कि सिर की ओर। यह बात सुनकर लक्ष्मण रावण के पैरों की ओर खड़े हो गए। उस समय महापंडित रावण ने लक्ष्मण को तीन बातें बताई जो जीवन में सफलता की कुंजी है। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई वह ये थी, शुभ कार्य को जितनी जल्दी हो कर डालना और अशुभ को जितना टाल सको टाल देना चाहिए। मैं श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देरी कर दी, इसी कारण मेरी यह हालत हुई। दूसरी बात यह है कि अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं यह भूल कर गया, मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था तो मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध न कर सके ऐसा कहा था, क्योंकि मैं वानर और मनुष्य को तुच्छ समझता था। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। रावण ने लक्ष्मण को तीसरी और अंतिम बात यह बताई कि अपने जीवन का कोई राज हो तो उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। यहाँ भी मैंने गलती कर दी, क्योंकि विभीषण मेरी मृत्यु का कारण जानता था। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। तो दोस्तों, ये थी वो तीन बातें जो रावण ने लक्ष्मण को बताई थी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल रहस्यमय दुनिया पर नए हैं और आप भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो बिना रुके आप देख सकें। तो दोस्तों, मैं फिर मिलूँगा आपको किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।